हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग हैदराबाद पहुंच गए हैं और ये मैं अपने पुप्पी के घर गई थी, तो ये उनकी जो बहू हैं उनका घर है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये उनका ड्राइंग रूम है और उन्होंने अभी ही घर जो है रेनोवेट करवाया है और बहुत अच्छा घर है उनका ये। और उन्होंने हमें शाम सुबह नाश्ते पर बुलाया था अपने घर में, तो वहाँ पर हमने नाश्ता किया, फिर वहाँ पर उन्होंने अपने घर का विज़िट कराया, क्योंकि उन कराची के घरों में ये उनका झूला है और कराची के घरों में और हैदराबाद के घरों में काफ़ी फ़र्क है। ये नीचे मेरी दूसरी जो है उनकी बहू उनका घर है, देखे कितना बड़ा सहन है, बच्चे खेल रहे हैं और अबिया फातिमा बहुत इंजॉय कर रही हैं। नबिया अबिया फातिमा उन कज़न्स के साथ क्रिकेट खेल रही हैं। ये उनका सहन है, हैदराबाद में इस तरह बड़े बड़े हवेली नुमा घर होते हैं जहाँ पर कमरे कम होते हैं लेकिन सहन बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये जो मेरी पप्पी का घर है उसका ये सहन है। अभी बच्चे यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि गलियाँ बहुत छोटी होती हैं तो बाहर जो है बच्चे खेल नहीं सकते, लेकिन सहन घर के इतने बड़े होते हैं कि बच्चों को बाहर जाना ही नहीं पड़ता। और ये इस तरह लाल ईंटों के घर होते हैं इनके। अब तो काफ़ी तरक्की कर ली है, बाद जगह इस तरह के घर नहीं है, लेकिन ये जो थोड़े से कंजस्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पर, वहाँ ये दूसरी बहू हैं उनका नीचे का पोर्शन है। ये उनका ये सहन है जहाँ बच्चे खेल रहे हैं। और ये उनका एक कमरा है जहाँ पे उनकी बैठक कहते हैं जिसको ये लोग, वो कमरा है इनका। ये देखिए ऊपर मचान से बने हुए हैं और ये उनका सामने किचन है। ये उनकी बेटी का जो है बेडरूम है, ये बेडरूम बिल्कुल कराची वालों की तरह उन्होंने सेट करा हुआ है। ये उनका बेडरूम है, ये इन्होंने अभी सेट करा है कुछ रिसेंटली, थोड़े टाइम पहले, कराची वालों की तरह ही करावा है इन्होंने। और ये देखे पुराने स्टाइल के सहन हैं इनके, पुराने मार्बल डले हुए हैं इनके। और ये इनका जो है किचन है, किचन अभी बनवाया है इन्होंने, ये किचन है। वरना अमूमन हैदराबाद में जो मेरी दादी के और उनके घर थे वहाँ नीचे ही किचन होता है, नीचे चूल्हे होते हैं सब, लेकिन ये इन्होंने भी बनवाया है तो बड़ा अच्छा बनवाया है इन्होंने। ये इनका पूरा घर है और ये ड्राइंग रूम है। और अब हम शाम में इवेंट थी जहाँ पे शादी थी, उन्होंने मिलाद रखा था तो हॉल में मिलाद था, क्योंकि पार्टीशन होता है लेडीज़ जेंट्स का अलग मिलाद होता है, तो ये लेडीज़ का मिलाद है। और यहाँ पे काफ़ी लेडीज़ तैयार होके आई हुई हैं और अब तो बहुत तरक्की कर ली है यहाँ पे, वरना अमूमन ज़्यादातर अबाए में और पर्दे में होती हैं लेडीज़। मैं तो 10 साल बाद आई हूँ तो यहाँ पे काफ़ी जो है वो तरक्की हो गई है, माशाल्लाह सारा फैशन कराची का यहाँ आ गया। और अब वहाँ मैं आपको वहाँ से बाज़ार लेके चलती हूँ। ये बाज़ार गए थे हम लोग, ये वहाँ पे छोटा किला है, उधर बाज़ार है छोटी गिट्टी का जगह का नाम है। यहाँ ये देखे मेहंदी के और शादी ब्याह के जो है ड्रेसेस लगे हुए हैं, रीज़नेबल बाज़ार है। ये नबिया मेरे साथ साथ चल रही हैं, स्लीपर्स थी यहाँ पर वो भी रीज़नेबल थी और सब चीज़ें थी बिल्कुल कराची के बाज़ारों की तरह, तब बहुत तरक्की कर गया और रीज़नेबल है सब कुछ, बस कंजेस्टेड है काफ़ी, चलने में मुश्किल हुई हमें और थोड़ा वीडियो बनाने में, क्योंकि लोग बहुत अजीब अजीब नज़रों से देख रहे थे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये इतना मतलब आसान नहीं है, लोग यूजुअली इस तरह वीडियो बनाते नहीं हैं। तो बस अब हम आगे चलते हैं, यहाँ मैंने बहुत थोड़ी सी बाज़ार की वीडियो बनाई है। अब हम ये लोग ये बारात में हॉल में आए हैं, बैंक्वेट में यहाँ भी पार्टीशन हुआ है, क्योंकि हैदराबाद में ज़्यादातर बैंक्वेट्स के अंदर पार्टीशन हुआ होता है। और ये दूल्हा दुल्हन बैठे हुए हैं और जो है हमारे अब्बू के ख़ानदान में ये होता है कि दुल्हन का चेहरा नहीं दिखाते, दुल्हन जो है वो अपना फेस कवर करके बैठती है, तैयार प्रॉपर होती है वो पार्लर्स, लेकिन गेस्ट जो है वो दुल्हन की फिर दुल्हन को नहीं देख सकते, वो वलीमे वाले दिन ही देखते हैं, ये कुछ रस्म है उनकी। और ये नबिया अबिया हैं और हॉल में पार्टीशन हुआ है, नबिया अबिया जो हैं इंजॉय कर रही हैं, सब तरफ देख रही हैं, क्योंकि उनके लिए थोड़ा नया है, कराची की शादियां अलग होती हैं, हैदराबाद की शादियां अलग होती हैं। और ये है कि मैंने बहुत कोशिश करी दुल्हन की पिक्चर लेने की लेकिन उन्होंने मुझे लेने नहीं दी, किसी ने भी नहीं देखा दुल्हन को, अब वली में देखेंगे हम लोग दुल्हन को। और अब वहाँ से हम लोग जो है शादी से फारिग होके थोड़ी आउटिंग पे निकले हैं हैदराबाद की, यहाँ पे बहुत अच्छा जो है आर्मी वालों का जो सोसाइटी बनी हुई है, वहाँ की आपको दिखाती हूँ मैं, आर्मी वालों की सोसाइटी है। वहाँ हम लोग अंदर एंटर हुए थे लेकिन आर्मी वालों ने हमें वीडियो बनाने नहीं दी तो हम लोग वापस आ गए।
अंधेरा है क्योंकि ये तकरीबन रात के 1:30 से 2 बजे का टाइम है ये, क्योंकि टाइम था नहीं, रात ही का टाइम था, नेक्स्ट डे हमें वापस आना था। तो इस वजह से हम लोग ये देखे आर्मी की सोसाइटी के बाहर ये सोल्जर्स की वो खड़े हुए हैं, पुतले या मुजस्मे कहते हैं उनको। और ये वहाँ का जो है एंट्रेंस है आर्मी सोसाइटी का। और देखिए आप, कोशिश करी थी हमने आगे तक जाने की जानी पर, और अब हम वापसी के लिए सुबह निकल गए हैं कराची जाने के लिए। टाइम शॉर्ट शॉर्ट था इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाई। ये अब हम लोग जा रहे हैं हैदराबाद से कराची की तरफ। तो शुरू में जब निकलते हैं तो काफ़ी सारे खेत हैं यहाँ पे, और इसके बाद दरिया सिंध आएगा, खेत आए हैं। चलें हम आगे की तरफ जा रहे हैं, बस दरिया सिंध दिखेगा फिर मिल। ये थी मेरी हैदराबाद से लेकर कराची तक की जर्नी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कहीं जाएंगे तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। ये देखिए अब हम बस रास्ते में ही हैं। ये बहुत लकी सीमेंट है, रास्ते में पड़ी है। ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है हैदराबाद के रास्ते में, लकी सीमेंट है ये। और ये हम आगे की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में ARY लगूना का DHA सिटी भी पड़ेगा, वो भी आपको दिखाती हुई चलूँगी दूर दूर से।